हेलो फ्रेंड्स मु परमे आपनकु टेक्निकल परमे चैनल को स्वागत करू छी। तो फ्रेंड्स देखंतु सीआरपीएफ बा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स तरफ रु आपनकु नोटिफिकेशन टी रही छी। तो एतिर आपनकु बहुत प्रकार रो वैकेंसी बाहर छी। तो जदि सेतिर आमे वैकेंसी डिटेल्स विषय रे कथा मा बे देखंतु एतिर आपन कांस्टेबल सफाई कर्मचारी पई 121 टी पोस्ट वैकेंसी रही छी। कांस्टेबल धोबी बा वाशरमैन पई एतिर आपन 5 टी पोस्ट वैकेंसी रही छी। कांस्टेबल डब्ल्यूसी अर्थात वाटर कैरियर पई एतिर आपन 3 टी पोस्ट वैकेंसी रही छी। कांस्टेबल कुक पई 116 टी पोस्ट वैकेंसी रही छी एवं कांस्टेबल टेबल बॉय पई एतिर आपन गोटे पोस्ट वैकेंसी रही छी। कांस्टेबल मसलाजी पई 4 टी पोस्ट वैकेंसी रही छी। हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड पई 3 टी पोस्ट वैकेंसी रही छी। हेड कांस्टेबल वेटरिनरी पई 3 टी पोस्ट वैकेंसी रही छी। हेड कांस्टेबल लेफ्ट टेक्नीशियन पई गोटे पोस्ट वैकेंसी रही छी एवं हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफर पई गोटे पोस्ट वैकेंसी रही छी। हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन पई गोटे पोस्ट वैकेंसी रही छी। हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट पई 5 टी पोस्ट वैकेंसी रही छी। हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे असिस्टेंट पई 84 टी पोस्ट वैकेंसी रही छी। हेड कांस्टेबल डायलिसिस टेक्नीशियन पई 8 टी पोस्ट वैकेंसी रही छी। हेड कांस्टेबल एएनएम बा मिडवाइफ पई 3 टी पोस्ट वैकेंसी रही छी। हेड कांस्टेबल फिजियोथेरापी असिस्टेंट नर्सिंग पई 88 टी पोस्ट वैकेंसी रही छी। सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स पई 175 टी पोस्ट वैकेंसी रही छी। सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर पई 8 टी पोस्ट वैकेंसी रही छी एवं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफर टेक्नीशियन पई गोटे पोस्ट वैकेंसी रही छी। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन पई 64 टी पोस्ट वैकेंसी रही छी एवं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्नीशियन पई 4 टी पोस्ट वैकेंसी रही छी। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरापी पई 5 टी, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट पई 84 टी एवं शेषरे रही छी आपनकर इंस्पेक्टर डेटिशियन पई गोटे पोस्ट वैकेंसी रही छी। तो एमिते टोटल एथिरे आपनकर 799 टी पोस्ट वैकेंसी रही छी। तो याकु जदि सो आपन माने आवेदन करबाकु चाहौचंती तो याकु केउ माने आवेदन करि परबे तो देखंतु याकु ऑल इंडिया कैंडिडेट आवेदन करि परबे एवं चाहिले आमो ओडिसा रो समस्त जिल्ला रो पिला माने मध्ये याकु आवेदन करि परबे ओ चाहिले याकु भई पुरुष ओ महिला आवेदन करि परबे। तो नेक्स्ट होई छी एथिरे आपनकर जॉब लोकेशन जॉब पोस्टिंग केउटि हबो तो देखंतु एथिरे आपनकर जॉब लोकेशन जॉब पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया रे आपनकर जॉब लोकेशन जॉब पोस्टिंग रही छी। तो जदि सो आपन माने याकु आवेदन करबाकु चाहौचंती तो याकु आपन बाय हैंड किंवा पोस्ट माध्यम रे याकु आवेदन करि परबे। तो आवेदन स्टार्ट डेट होई छी आपनकर 20 जुलाई 2020 एवं आवेदन लास्ट डेट होई छी तिरे आपनकर 31/8/2020 सुधा आपन मानकु आवेदन करबाकु पडिबो एवं एथिरे आपन रिटन एग्जाम डेट होई छी 20/12/2020 रे आपनकर रिटन एग्जाम डेट होई छी एवं एड्रेस होई छी आपनकर एही एड्रेस से आपन मानकु पठाइबाकु पडिबो आपनकर एप्लीकेशन फॉर्म टिकु स्पीड पोस्ट किंबा रजिस्टर पोस्ट हिसाब रे किंबा आपन माने एही एड्रेस कु जाई कि आपन माने हैंड टू हैंड भी आपन माने एप्लीकेशन फॉर्म देइ पारिबे। तो तापर कथा माने एप्लीकेशन फीस डिटेल्स विषय रे तो देखंतु इथिर आपन जनरल ओबीसी ग्रुप बी पई 200 टका लागुची एवं जनरल ओबीसी ग्रुप सी पई 100 टका इथिर आपन एप्लीकेशन फीस रहिची एवं एससी एसटी फीमेल मानक पई इथिर आपन कोनोसी एप्लीकेशन फीस लागु नाही या आपन माने मागणा रे आवेदन करि परबे एवं इथिर आपन मोड ऑफ पेमेंट रहिची आईपीओ एवं बैंक ड्राफ्ट। तो आईपीओ अर्थात आपन इंडियन पोस्टल ऑर्डर साजे आपन माने पेमेंट करि परबे। तो नेक्स्ट होची एथि आपन क्वालिफिकेशन एवं एज लिमिट केते रहितबा दरकार तो देखंतु एथि आपन इंस्पेक्टर डिटेशियन पई एथि आपन क्वालिफिकेशन रहिछि डिप्लोमा डाइटेशियन रे करथिबे बीएससी होम साइंस किंबा होम इकोनॉमिक्स रे करथिबे बले याकु आपन माने आवेदन करि परबे। तो एथि आपन वयस 30 वर्षरु अधिका हेउ नथिबा 30 वर्षरु कम होइतिले याकु आपन माने आवेदन करि परबे। तो नेक्स्ट होची एथि आपन सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स पई एथि आपन प्लस 2 पास करछन्ति किंबा डीएनएम कोर्स करछन्ति बले याकु आपन माने आवेदन करि परबे। तो एथि आपन वयस रहिछि आपन 30 वर्षरु अधिका हेउ नथिबो 30 वर्षरु कम होथिले आपन माने याकु आवेदन करि परबे। एवं नेक्स्ट होची एथि आपन सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर पई एथि आपन क्वालिफिकेशन रहिछि इंटरमीडिएट डिप्लोमा रेडियो डायग्नोसिस रे जदि सो आपन माने करछन्ति बले याकु आपन माने आवेदन करि परबे। तो एथि आपन वयस रहिछि आपन 30 वर्षरु अधिका हेउ नथिबो 30 वर्षरु कम होथिले आपन माने याकु आवेदन करि परबे। तो नेक्स्ट होची आपन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट पई एथि आपन प्लस 2 पास करछन्ति किंबा डिप्लोमा फार्मासी रे करछन्ति बले आपन माने याकु आवेदन करि परबे। तो एथि आपन वयस रहिछि 20 रु 25 वर्ष बंध्यरे होइछि बले आपन माने याकु आवेदन करि परबे। एवं नेक्स्ट होची एथि आपन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरापिस्ट पई एथि आपन क्वालिफिकेशन रहिछि इंटरमीडिएट डिप्लोमा किंबा बैचलर फिजियोथेरापी रे जदि सो आपन करछन्ति बले आपन माने याकु आवेदन करि परबे। तो आपन वयस 20 रु 25 वर्ष मध्यरे हेउथिबा दरकार। एवं नेक्स्ट होची एथि आपन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्नीशियन पई एथि आपन क्वालिफिकेशन रहिछि तो जदि सो आपन दशम पास करछन्ति ता सहित आपन डेंटल हाइग्नोसिस कोर्स करछन्ति बले आपन माने याकु आवेदन करि परबे। तो एथि आपन वयस रहिछि 20 रु 25 मध्यरे आपन वयस रहिछि। तो नेक्स्ट होछि आपन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन पई क्वालिफिकेशन रहिछि दशम पास करछन्ति ता सहित आपन डिप्लोमा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी रे करछन्ति बले आपन माने याकु आवेदन करि परबे। तो एथि आपन वयस 20 रु 25 वर्ष मध्यरे हेउथिबा दरकार। तो नेक्स्ट होछि एथि आपन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफी टेक्नीशियन पई एथि आपन क्वालिफिकेशन रहिछि मैट्रिकुलेशन अर्थात आपन दशम पास करछन्ति इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफी टेक्नोलॉजी
सर्टिफिकेट अच्छे आपने आवेदन करेंगे तो ये आपंकर बयस भी 20-25 वर्ष मध्य होगा दरकार। तो नेक्स्ट रही है आपको हेड कनेस्टेबल फिजियोथेरापिस्ट आसीस्टांट नर्सी आसीस्टांट आपको क्वालिफिकेशन रही है प्लस टू पास करता सहित आप डिप्लोमा फिजियोथेरापी जब से करते आपको आवेदन करेंगे तो ये आपको बयस 18-25 वर्ष मध्य होगा दरकार। तो नेक्स्ट रही है आपको हेड कनेस्टेबल एएनएम और मिडवाइफ आप क्वालिफिकेशन रही है प्लस टू पास करते सहित आपको एएनएम कोर्स करते आपको आवेदन करेंगे तो ये आपको एज लिमिट रही 18-25 वर्ष मध्य होगा दरकार। तो नेक्स्ट रही है हेड कनेस्टेबल डायलिसिस टेक्नीशियन आपको क्वालिफिकेशन रही प्लस टू पास करते सहित आप डिप्लोमा डायलिसिस टेक्निकल जब आपने आपको आवेदन करेंगे तो ये आपको एज लिमिट रही 18-25 वर्ष मध्य होगा दरकार। तो नेक्स्ट रही है हेड कनेस्टेबल जूनियर एक्सरे आसीस्टांट आपको क्वालिफिकेशन रही दशम पास करते सहित आप डिप्लोमा रेडियो डायग्नोसिस जब करते आपको आवेदन करेंगे तो ये आपको बयस रही 20-25 वर्ष मध्य होगा दरकार। तो नेक्स्ट रही है आपको हेड कनेस्टेबल लैबोरेटरी आसीस्टांट आपको क्वालिफिकेशन रही दशम पास करते सहित आप लैबोरेटरी आसीस्टांट कोर्स करते आपको आवेदन करेंगे तो ये आपको बयस भी 20-25 वर्ष मध्य होगा दरकार। तो नेक्स्ट रही है आपको हेड कनेस्टेबल इलेक्ट्रीशियन आपको क्वालिफिकेशन रही जब आप दशम पास कर एवं डिप्लोमा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड करते आपको आवेदन करेंगे तो ये आपको बयस रही 20-25 वर्ष मध्य होगा दरकार। तो नेक्स्ट रही है आपको हेड कनेस्टेबल स्टीवर पर आपको क्वालिफिकेशन रही तो जब आप दशम पास करते डिप्लोमा करते आपने आवेदन करेंगे तो ये आपको बयस 18-23 वर्ष मध्य होगा दरकार। तो नेक्स्ट रही है आपको कनेस्टेबल मसल चीफ आप क्वालिफिकेशन रही तो जब आप दशम पास करते आपको आवेदन करेंगे तो ये आपको बयस भी 18-23 वर्ष मध्य होगा दरकार। तो नेक्स्ट रही है आपको कनेस्टेबल कुक आपको क्वालिफिकेशन रही तो जब आप दशम पास करते आपको आवेदन करेंगे तो ये आपको एज लिमिट बयस सीमा रही 18-23 वर्ष मध्य होगा दरकार। तो नेक्स्ट रही है आपको कनेस्टेबल सफाई कर्मचारी क्वालिफिकेशन रही तो जब आपने दशम पास करते आपने इंग्लिश हिंदी लोकल लैंग्वेज आपने पढ़ी पार्थिव दरकार और आपने लिखि पार्थिवा दरकार और ए आपको एज लिमिट रही 18-23 वर्ष मध्य होगा दरकार। तो नेक्स्ट रही है आपको कनेस्टेबल धोबी वाशरमैन आपको क्वालिफिकेशन रही तो जब आपने केवल दशम पास करते आपने आवेदन करेंगे तो ये आपको बयस रही 18-23 वर्ष मध्य होगा दरकार। तो नेक्स्ट रही है आपको कनेस्टेबल डब्ल्यूसी अर्थात वाटर कैरियर पर आपको क्वालिफिकेशन रही तो जब आपने केवल दशम पास करते आपने आपको आवेदन करेंगे तो ये आपको बयस रही 18-23 वर्ष मध्य होगा दरकार। तो नेक्स्ट रही है आपको कनेस्टेबल टेबल आपको क्वालिफिकेशन रही तो जब आपने दशम पास करते आपने आपको आवेदन करेंगे तो ये आपको बयस रही 18-23 वर्ष मध्य होगा दरकार। तो नेक्स्ट रही है आपको हेड कनेस्टेबल वेटरनरी आपको क्वालिफिकेशन रही तो जब आपने प्लस टू पास करते डिप्लोमा डिग्री एवं लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट जब आपने कोर्स करते आपने आपको आवेदन करेंगे और आपको एज लिमिट बयस सीमा रही आपको 18-23 वर्ष मध्य होने आपको आवेदन करेंगे। तो नेक्स्ट रही है आपको हेड कनेस्टेबल लैब टेक्नीशियन आपको क्वालिफिकेशन रही तो जब आपने प्लस टू पास करते आपने डिप्लोमा वेटरनरी लैब टेक्नीशियन करते आपने आपको आवेदन करेंगे तो ये आपको बयस भी 18-23 वर्ष मध्य होगा दरकार। तो नेक्स्ट रही है आपको हेड कनेस्टेबल रेडियोग्राफर आपको क्वालिफिकेशन रही तो जब आपने प्लस टू पास करते डिप्लोमा वेटरनरी रेडियोग्राफी करते आपने आपको आवेदन करेंगे तो ये आपको बयस रही 18-23 वर्ष मध्य होगा दरकार। तो ये आपको क्वालिफिकेशन और एज लिमिट विषय में तो जब आपने अधिका किसी जैसे जानवाक चाहते तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन मुझे डिस्क्रिप्शन तो आपने नोटिफिकेशन को डाउनलोड करूँ भले हिसाब से थोड़े पढ़ूँ यहाँ आपने आवेदन करूँ। तो ये आपको सीआरपीएफ तरफ नोटिफिकेशन डिटेल्स तो जब आपति जब रिलेटेड भिडियो मैंने देखा चाहते तो निहाती चैनल को सब्सक्राइब करूँ कहीं भल भल जब्र अपडेट दे। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय जगन्नाथ।